बताएंगे। एसडीआरएफ का नवा स्थापना दिवस 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद हुई थी स्थापना। स्थापना के बाद ही अपने कर्तव्य पथ पर तत्पर है। जिला अस्पताल पौड़ी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर तैयार। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने फीता काटकर किया उद्घाटन। कहा जरूरतमंदों को आसानी से मुहैया हो पाएगी ऑक्सीजन। हरिद्वार में गौवंश संरक्षण स्क्वाड ने भारी मात्रा में गौमांस के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से गौकृषि के उपकरण बरामद। भोकरी की सूचना पर की कार्रवाई। ऋषिकेश में कुट्टू का आटा खाने के बाद कई लोग बीमार। अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी ने एक ही दुकान से खरीदा था कुट्टू का आटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। एसडीआरएफ वाहिनी चौरी ग्रांच में जोश और हर्षोल्लास के साथ वाहिनी का नौवां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सेना नायक नवरी सिंह ने एसडीआरएफ वाहिनी चौरी ग्रांच में सेंट्रल पुलिस कैंटीन का फीता काटकर उद्घाटन भी किया है। इस दौरान सेवानायक नवनीत सिंह ने बताया कि साल 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा के बाद उत्तराखंड में राज्य आपदा प्रतिपादन बल एसडीआरएफ की स्थापना हुई थी और स्थापना के साल ही अपने कार्य की मूल भावना के अनुरूप एसडीआरएफ ने पर्वतीय प्रदेश की जीवन शैली को अस्त व्यस्त कर देने वाली प्रत्येक छोटी बड़ी आपदा, भूस्खलन, सड़क दुर्घटना, जल रेस्क्यू, चारधाम यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कांवड़ महाकुंभ में अपना विशेष योगदान दिया। उन्होंने कहा कि साल 2014 में रुद्रप्रयाग में अपने प्रथम व्यवस्थानम के टेंट से शुरू हुआ ये बल आज राज्य के प्रत्येक जनपद में कर्तव्य पथ पर तत्पर है। आज एसडीआरएफ का जैसे हमारा नौवां स्थापना दिवस है और विगत 9 वर्षों में एसडीआरएफ ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड, महाकुंभ, अर्धकुंभ और जो अलग अलग समय पर बड़ी बड़ी आपदाएं आईं। केदारनाथ आपदा के बाद से 2013 के बाद से इसका गठन हुआ था और इसका जो अब तक का प्रोग्रेस और जो उपलब्धियाँ हैं वो वास्तव में जो सराहनीय हैं। इसको सीनियर ऑफिसर्स और पब्लिक ने काफ़ी प्रेज़ किया है। अभी आज हमारा स्थापना दिवस है तो आज एक जो पुलिस की सीपीसी कैंटीन यहाँ पे एक स्टार्ट करी है वाहिनी मुख्यालय में और निकट भविष्य में हमारी 5वीं कंपनी भी एक गठित होने वाली है और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बटालियन मुख्यालय का बन रहा है ये भी अगले 4-5 महीने में हमको हैंडओवर हो जाएगा। तो इससे हमारी कार्यदक्षता, जो कार्य कुशलता जो है और बढ़ेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि अपने को और जितना मदद कर सकें, पब्लिक में जा सकें, उतना हम करेंगे इसको। लक्सर में टायर फैक्ट्री के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। बता दें कि टायर फैक्ट्री कर्मचारियों और फैक्ट्री प्रशासन के बीच त्रिवर्षीय समझौते को लेकर मामला चल रहा था जिसे उत्तराखंड के गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के द्वारा कर्मचारियों को जूस पिलाकर समाप्त करा दिया गया है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें मायूस नहीं होने दिया जाएगा, वो अपने काम को पहले की तरह बेहतर ढंग से करते रहें। लक्सर की तस्वीरें, मंत्री ने जूस पिलाकर इस पूरी हड़ताल को खत्म करवाया। दरअसल भूख हड़ताल पर ये कर्मचारी बैठे हुए थे। टायर कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिनकी भूख हड़ताल अब खत्म करवा दी गई है। साथ ही साथ इन्हें आश्वासित किया गया है कि इनकी जो मांगे हैं वो जल्द ही स्वीकार की जाएंगी। उन्हें अपने कामों पर वापस लौटना है और जिस तरीके से वो काम करते आए हैं वैसे ही इस काम को आगे बढ़ाना है। स्वामी जी, एक फिल्म का गाना याद आ रहा है, उसमें कहता है चमका पसीना बन के नगीना, काली रात जीती और मेहनत जीती। काली रात बीती और मेहनत जीती। तो ये 3 महीने की काली रात बीत गई है और पसीना जीत गया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे पास शब्द नहीं है प्रशंसा करने के लिए। जब मैं उनके दरबार में अब से 1.5 महीना पहले गया था, उन्होंने स्वामी जी को बुला के कहा था कि स्वामी जी आप राज्य के मंत्री हैं, आप इस समय हरिद्वार के प्रभारी हैं, आपको देखना है, आप देखिए जो देखना है। उस समय कुछ परिस्थितियाँ रही, बात नहीं बन पाई। लेकिन आज जब कल हम गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास, आदरणीय स्वामी जी और हम दोनों गए, आदरणीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जिला प्रशासन को आदेश कर दिया कि फैक्ट्री प्रबंधन से कहा जाए कि जो कायदे की बात हो वो माने और मजदूरों से कहा जाए जो कायदे की बात हो वो माने। जेके टायर प्रबंधन के खिलाफ जो हमारा श्रमिकों का आंदोलन जो पिछले 3-4 महीने से चल रहा था, उनकी 5 मांगे थी, उनकी 4 मांगे तो तत्काल मान ली गई है प्रबंधन के द्वारा और 1 मांग उनकी अभी बाकी है।
जो हमारे प्रबंधन के लोग हैं, आज उनके साथ हमारे विधायक जी चैंपियन साहब ने मंत्री होने के नाते हमारे जिलाधिकारी जी प्रबंधन के साथ बैठे, उन्होंने हमारों को विश्वास दिलाया है कर्मचारियों को कि 15 दिन के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं हमारी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाएं, और वो जो पांचवी मांग इनकी जो वेतन बढ़ाने की मांग है हम उसको भी पूरी करेंगे। पौड़ी के जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिसका जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा रिबन काट कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदाने ने कहा है कि कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही थी, जिसको देखते हुए भारत सरकार की ओर से जिला चिकित्सालय पौड़ी में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत जिला अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है, जिसका आज शुभारंभ कर दिया गया। इस प्लांट के तैयार होने के बाद मुख्यालय के पास के गांव के रहने वाले जरूरतमंद लोगों को आसानी से ऑक्सीजन मुहैया हो पाएगी और लोगों को ऑक्सीजन के लिए दर दर नहीं भटकना होगा। इसके साथ ही पौड़ी के अन्य विकास खंडों में भी प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे कि पौड़ी में आने वाले समय में ऑक्सीजन को लेकर किसी भी मरीज को कोई समस्या नहीं उठानी पड़े। तो पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया है। जिलाधिकारी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया है, इससे पौड़ी ही नहीं आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको भी बहुत राहत मिल सकती है। आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी, आसानी से उन्हें ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। पौड़ी गढ़वाल में जो महत्वपूर्ण अस्पताल है जिला अस्पताल पौड़ी, यहाँ पर पीएम केयर फंड के माध्यम से डीआरडीओ के डिजाइन अंतर्गत और टाटा के सीएसआर फंड के माध्यम से 1000 लीटर कैपेसिटी का प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से वर्चुअल मोड पर किया गया है। पूरे जनपद में ऐसे विभिन्न प्लांट का आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें प्रमुखता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थली से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चली से यहाँ पर 300 लीटर कैपेसिटी और 250 प्लांट लगाए गए, उनका लोकार्पण आज किया जा रहा है। साथ साथ में पिछले अस्पताल कोटद्वार यहाँ पर भी प्लांट स्थापित किया गया, जिसका लोकार्पण आज इसी कार्यक्रम से किया जा रहा है। पूरे जनपद में 7000 से अधिक लीटर पर कैपेसिटी का जो प्लांट्स हैं हम कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं भविष्य में जब कोई तीसरी लहर आती है तो उसे निपटने के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। नैनीताल के रामनगर के मालधन क्षेत्र में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी नैनीताल धीरज गरवाल ने फरियादियों की फरियाद सुनी है। इस दौरान जिलाधिकारी धीरज गवरियाल ने बताया कि आज 86 लोग फरियाद लेकर शिविर में आए थे, जिनमें से ज्यादातर फरियादियों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि बकाया फरियादों के जल्द निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं। बहुउद्देशीय शिविर में जितने भी एप्लीकेशन आते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि तत्काल सबका समाधान हो जाता है, कुछ एप्लीकेशन ऐसे आते हैं जिनका तत्काल समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी आते हैं जिनका फिर आपको एस्टिमेट बनाना है या और सारी चीज़ें भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो आज के बहुउद्देशीय शिविर में लगभग 86 एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुए, जिसमें 40 एप्लीकेशंस हमारे ऐसे हैं जिसमें आपके प्रमाण पत्र जिसको जारी होना है, आधार कार्ड जारी होना है, तो और छोटी छोटी समस्याओं से रिलेटेड जो थे तो उनका निस्तारण हम लोगों ने किया है। और बहुत सारी समस्याएं क्योंकि वन क्षेत्र है यहाँ पे, यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम जेन्युइन है, यहाँ पे लोगों को पानी की समस्या रहती है इनकी, क्योंकि वन क्षेत्र में है तो जल जीवन मिशन में ये कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ऐसे जितने गांव हैं यहाँ पे तो उनका पूरा हम सर्वे करवाएंगे इस पर कि कितने जगह पे हम जल जीवन मिशन से हट के शासन की मदद से पानी की सुविधा हम कैसे इनको मुहैया कराएंगे, तो ये समस्याएं हैं वो तो उसको हम लोग पूरा करवाएंगे। हरिद्वार में गौवन संरक्षण स्क्वाड लक्सर क्षेत्र में गश्त पर थी, इसी दौरान टीम जैसे ही मुकुरपुर गांव के पास पहुंची तभी मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ लोग गन्ने के खेत में गौकशी कर रहे हैं, जिसके बाद टीम आनंद फन में मुखबिर के बताए ठिकाने पर पहुंची, जहां पुलिस ने करीब 280 किलो गौमांस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से गौकशी के उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। हरिद्वार का ये पूरा मामला जहाँ पर सूचना मिली थी कि खेतों में यानी कि जंगलों में लगातार गौकशी की जा रही है, और इसी आधार पर चेकिंग की गई
और चेकिंग जब की गई तब दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और करीब उनके पास से भारी मात्रा में गौमांस भी बरामद किया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से पाने के लिए जमीनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसी के तहत अब कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिसके चलते विधानसभा कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक की और पार्टी में नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा। बेरीपड़ाव स्थित बैंकट हॉल में जिलाध्यक्ष सतीश नैनीवाल के नेतृत्व में आयोजित कांग्रेस कमेटी की बैठक में जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सदस्यता अभियान चलाने के निर्देश दिए और कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा भी की गई है। यानी कि अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश पुरजोर तरीके से कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। सदस्यता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग को इससे जोड़ा जाए। सदस्यता अभियान बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज पीसीसी द्वारा जो किताबें भेजी गई हैं उनको हमने ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से और सभी पीसीसी सदस्य और जो भी उम्मीदवार हैं उनके हाथ कापियां दे दी हैं और बहुत जल्दी अक्टूबर लास्ट तक इनको भरने के लिए कहा गया है। क्योंकि चुनाव नज़दीक है, इसलिए इसमें तेज़ी लानी इसलिए आवश्यक है कि सदस्यता अभियान अपने आप में एक संदेश देगा कि कांग्रेस की ताकत कितनी मजबूत है, कांग्रेस कितनी ताकतवर है। और इस चुनावी समर में सबसे महत्वपूर्ण बात संगठन के लिए, संगठन में धीरे धीरे लोगों में ऊर्जा पैदा हो रही है और संगठन निश्चित रूप से हमारा काफ़ी मजबूत है, जिले से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक। संगठन हमेशा जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ भी लगातार लामबंद है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उनके आदेश के अनुसार जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल जी यहाँ पर आए हैं बेरी पड़ाव में लालकुआ विधानसभा के। और यहाँ पर जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक टारगेट फिक्स किया हुआ है कि 800 किताबें जो है, एक किताब में 25 मेंबर हैं, 800 किताबें जो है हर विधानसभा वालों को भरनी है। तो इस वजह से जो है आज सारे कांग्रेस कमेटी के लोगों को लालगांव विधानसभा के यहाँ बुलाया गया है और उनको जो है यहाँ पर ये जो है सदस्यता अभियान की जो किताबें हैं वो दी गई हैं। और कांग्रेस की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं, मुझे उम्मीद है कि लालगांव विधानसभा में इस बार जो है यहाँ पर कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। आज हमने सारे अपने पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि सदस्यता अभियान में तेज़ी लाई जाए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं प्रत्येक बूथ पर हम सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इस सदस्यता अभियान से, क्योंकि आजकल हमारे सारे कार्यकर्ता डोर टू डोर कन्वेंसिंग में हैं, तो निश्चित तौर पर इससे हमारा सदस्यता का जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे जिले प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं और जो चुनाव में टिकट मांगने वाले साथी हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके विधायकों का टिकट मिल, विधायक का टिकट मिले, वो साथी भी आज पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। तो ये सदस्यता की बुकें लेके जाएंगे, कांग्रेस के संदेश को लेके जाएंगे, तो निश्चित तौर पर पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और उन साथी को भी मजबूती मिलेगी। इसी तैयारी के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। ऋषिकेश के हरिपुर कला में कुट्टू का आटा खाने से बड़ी संख्या में ग्रामीणों के बीमार होने का मामला सामने आया है, जहां दो अलग अलग अस्पतालों में करीब 15 से 20 लोग भर्ती हैं, जिनमें से अधिकतर लोगों को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत थी। बताया जा रहा है कि नवरात्र व्रत में कुट्टू का आटा प्रयोग करने के बाद रात में इनकी तबीयत बिगड़ी। सभी ग्रामीण आसपास के रहने वाले हैं और सभी ने एक ही दुकान से कुट्टू का आटा खरीदा था। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ऋषिकेश का ये पूरा मामला, जहां पर कुट्टू का आटा खाने से एक ही परिवार के कई लोगों की हालत ख़राब है। इसके अलावा गांव में तमाम लोग ऐसे हैं जो एक ही दुकान से जिन्होंने आटा ख़रीदा था, जिसके खाने के बाद लगातार एक के बाद एक पेट दर्द की शिकायतें लोगों को हो रही है। और खाना खाने के बाद तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी थी, उसके 2-3 घंटे के बाद हमें चक्कर आने शुरू हुए और चक्कर भी ऐसे आ रहे थे जैसे किसी ने हमने नशा कर रखा हो। और मैंने उसके बाद थोड़ा देर टहला, टहलने के बाद में जो है मैंने वॉमिट करी है एक बार, और एक बार वॉमिट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी पानी ना पिया हो, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पी थी
और कोल्ड ड्रिंक पीते ही मेरे को फिर दोबारा दूसरी बार वॉमिट हुई थी, और फिर रात को मैंने फिर जाके अपना आराम से सो गया मैं। फिर जब मैं उठा हूँ तो तीसरी बार फिर मुझे वॉमिट हुई है, पूरी बॉडी कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, फिर फ्रेश होने गई मैं घर में, मैं अपनी फिर बहू को उठाया, उसको भी उल्टी हो रही थी, वो तो हम आई नहीं है कहते हैं। परिवार में कितने लोगों को हुई दिक्कत? हमारे 3 लोग तो हैं ही अभी, एक हमारी काम करने वाली के भी फोन आया है, लेकिन वो भी गई है तो हॉस्पिटल में, अब किस हो गई है नहीं मालूम। तो हुआ कैसे ये? ये खाना खा के बस लेटे हैं हम बस। अच्छा, कोई आटा बता रहे हैं आप? हाँ, तो ये कुछ खाया नहीं हमने, कूटू का आटा। फिर मैं बड़ी बड़ी प्राणायाम भी करने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीपी हाई हो गया वो, क्योंकि मैं किताबें वगैरह आयुर्वेदिक पढ़ती रहती हूँ और योगा करती हूँ। मैं योगा करने की कोशिश की, ऑक्सीजन लिया, उससे कुछ हल्का फुल्का हुआ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। पानी बहुत पिया फिर मैंने, पानी अभी ठीक है फिलहाल? अभी फिलहाल तो बिल्कुल ओके हूँ, बस थोड़ा रात को नींद कम आई है, ड्यूटी लगती रही, बदलते रही इस चक्कर में। सहारनपुर में हिंदुवादी संगठन नवरात्र में होटल पर नॉनवेज बंद कराने पहुंचे थे, जिसके बाद वहां इलाके के लोग इकट्ठा हो गए। तमाम लोगों ने वहां से निकलकर नवाबगंज चौकी जाम लगा दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही तमाम आला अफसर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले का संज्ञान लिया। वहीं होटल मालिक का कहना है कि अगर प्रशासन लिखित में होटल बंद करने को कहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इलाके के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए और संगठन की हरकतों का विरोध किया। अफसरों ने मोर्चा संभाला और मामले को किसी तरह शांत कराया है और जाम खुलवाया। वहीं एसपी सिटी राजेश कुमार ने कहा, माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है, अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये आरएसएस वाले आए थे 60-70 लोग, आकर बोलने लगे कि होटल बंद कर दिया जाए, और ज़बरदस्ती बंद कराने की कोशिश की गई, और जिसकी वजह से वो काफ़ी हंगामा करने लगे यहाँ पर। और जब हमने मना किया, बोला थोड़ा टाइमिंग दो, तो उन्होंने कहा फिर मारा जाएगा तुम्हें, ये तो जल्दी से बंद करो। अच्छा। तो जब हमने थोड़ी सी अपील की कि थोड़ा टाइम दो, तो बोलने लगे कि नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, अभी के अभी बंद किया जाए। हमने कहा आज की गुजारी दें, तो फिर इतनी देर में उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। फायरिंग हुई है जी सर, सर उसमें मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन जिसने भी किया है एक फायर किया है उन्होंने आगे जाकर यहाँ से। नहीं, हमारी साइड से किसी, हमारी साइड से, मेरे पास कैमरा फुटेज भी है यहाँ से, कोई बदतमीजी नहीं हुई, उनके पास भी रिकॉर्डिंग है क्या, वो भी देख सकते हैं। अगर हमारी साइड से, हमने यही बोला कि हम सारे आपस के हैं, आप अगर बोलते हैं आप प्यार से तो हम बंद कर देंगे। वैसे क्या चाहते हैं? पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर हिंदू समाज के द्वारा जो नवरात्र का त्यौहार मनाया जा रहा है, उसके चलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कल सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया गया कि जब तक नवरात्र है तो सहारनपुर के अंदर कोई मीट की दुकानें न खुले, परंतु प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लोगों की शिकायत लगातार हमारे पास आ रही थी कि कोई मीट की दुकानें शहर के अंदर बंद नहीं हुई। उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता स्वयं उन दुकानों को बंद कराने के लिए गए, तो जब वो एक मुस्लिम ढाबा संचालक के पास पहुंचे तो उसके द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई और वहां से फरार हो गया। उस समय पुलिस प्रशासन वही था, पुलिस के द्वारा उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं को डराया और धमकाया गया। उस लोगों की उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तत्काल उन लोगों की गिरफ्तारी हो और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, तब हम लोग इस सड़क जाम से उठने वाले हैं। ये कुछ हिंदू संगठन आज इस बात को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि नवरात्र में जो मंदिर जाने के रास्ते होते हैं और परंपरागत रूप से दुकानें मीट और उनकी बंद रहती है, और वो इस बार नहीं हो रहा है, इस पर उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस बात को लेकर उनसे हम बात की गई है। और मैं एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने उनसे बात किया है और उनको आश्वासन दिया है कि जो भी परंपरागत रूप से व्यवस्था होती रही, सारी व्यवस्था यहाँ पे मुकम्मल की जाएगी। समर में मुरादाबाद आगरा हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली से स्विफ्ट कार टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की जान चली गई है, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। संभल जिले में 3 लोगों की मौत का यह भीषण सड़क हादसा बीते गुरुवार की रात लगभग 12 बजे बैजोई थाना क्षेत्र में ढकारी गांव के नजदीक मुरादाबाद आगरा हाईवे का बताया जा रहा है। देर रात मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बल्लियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी, जिससे आगरा की दिशा से तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार
का चालक नहीं देख सका और इसी वजह से कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त सेक्टर ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में मौके पर ही दो लोगों की जान चली गई थी। वहीं इलाज के दौरान दो लोगों ने दम तोड़ दिया। एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। थाना भैजोई के अंतर्गत ग्राम पाठकपुर के समीप मुरादाबाद अलीगढ़ हाईवे पर कल देर रात एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें खड़ी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली, जो पहिया उसका ख़राब हुआ था इस वजह से खड़ी हुई थी, उसमें पीछे से आ रही एक अनियंत्रित स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी द्वारा टक्कर मारी गई। इसकी वजह से स्विफ्ट डिज़ायर में बैठे हुए तीन लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल है, जिसका उपचार किया जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक अनियंत्रित कार स्कूल की बाउंड्री वॉल तोड़कर स्कूल में जा घुसी। गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय स्कूली बच्चे बाहर नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन कार ने स्कूल के अंदर खड़ी बाइकों के परखच्चे उड़ा दिए। स्कूल के अंदर कार घुसने की पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि करीब 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार स्कूल की बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए बाइकों को रौंदते हुए स्कूल में जा घुसी। घटना में कार में सवार घायल युवकों की गंभीर हालत के चलते अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के गृह जनपद सिद्धार्थ नगर में प्राइवेट नर्सिंग होम पैसे के लिए जिंदगियों से खेल रहे हैं। यहां बगैर किसी डिग्री के अल्ट्रासाउंड किया जाता है, रिपोर्ट भी बना दी जाती है। बगैर किसी सुरक्षा का इंतजाम किए धड़ल्ले से सीजर ऑपरेशन किए जाते हैं। न ब्लड का इंतजाम, ना ही किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था। अब अगर जच्चा बच्चा को किसी इमरजेंसी में रेफर करना पड़े तो मरीज इलाज के अभाव में मर सकता है, मगर इलाज नहीं मिल सकता। पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, मगर जांच कभी नहीं होती कि यहाँ पे सारे अधिकारियों के नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। उसके बाद में बोले कि नॉर्मल डिलीवरी होगी और नॉर्मल डिलीवरी के लिए इन्होंने 4000 रुपये ले लिए मुझसे और मुझे एडमिट करवा लिए सिग्नेचर करके कि हम गारंटी ले रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे। पर ये नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में मुझे चेक करके उसके बाद चली गई अपना और दो दाई लगा दी मेरे पीछे। मुझे बहुत बेहाल कर दिए उन लोग, पूरा मेरा सारे बदन का खून गिर गया है, सब पूरे जितना मतलब रूम में पूरा खून ही खून ताज़ा ताज़ा निकल रहा था सब कुछ। ज़बरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में उन लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं है। क्या परेशानी है आपको? सर मेरा नाम फजलुर रहमान है। मैं गया था लाइफ केयर हॉस्पिटल में डिलीवरी का मैटर था। मैंने अपने वाइफ को 12:30 बजे नाइट में एडमिट किया। इन्होंने डिलीवरी का बोला कि नॉर्मली मैं डिलीवरी करा दूँगी। उसके बाद इन्होंने 8 से 10 घंटे तक लगातार कंटिन्यू मेरे वाइफ को टॉर्चर किया, मारा पीटा और उसके कैंची मतलब बार बार उसके तीन लोगों ने मिलके अंडर हाथ डाल लेते थे, टॉर्चर करे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। और बच्ची के मेरे सर में कैंची लग गई। उसके बाद जब मैंने देखा कि मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आके अपने पेशेंट को ज़बरदस्ती देखा लेबर रूम में देखा तो मेरी वाइफ अनकॉन्शियस बेहोश हो रही थी। बेहोश होने के बाद फिर मैंने मैडम से कहा जल्दी से मेरी वाइफ का ऑपरेशन कर दो। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।